नमस्कार व्यूअर्स, मैं सुमन त्यागी मुजफ्फरनगर यूपी से आपका अपने चैनल सुमन हैंडीक्राफ्ट में फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए कॉइन पर्स लेकर आई हूँ। देखिएगा, यह मिनी पर्स है, कॉइन पर्स भी कह सकते हैं इसको। हम इसमें अपनी पर्सनल चीजें कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि देखिए, हम कई बार बाहर जाते हैं और हमारे पास बड़ा पर्स होता है, तो हम अपनी छोटी छोटी चीजें इसमें रख सकते हैं, इसमें रखकर और इसको हम बड़े पर्स के अंदर रख सकते हैं। देखिएगा इस तरीके से। और जैसे कि कॉइन्स हमें चाहिए, जब कभी हम बाहर जाते हैं तो कॉइन्स इकट्ठे रखे रहेंगे, हम इनको भी स्लैश करके रख सकते हैं। देखिएगा, और इसी तरीके से हम इसमें ज्वेलरी भी रख सकते हैं। जैसे कि हमें कहीं फंक्शन में जाना है और हमें छोटी ज्वेलरी अपनी रखनी होती है बैग में, तो हम देखिए छोटा पाउच ऐसे करके और इस पाउच को हम इसके अंदर रख सकते हैं अपनी ज्वेलरी को, इस तरीके से। और बनाने में काफी आसान है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस पर्स को बनाने के लिए मेरे को रिंग्स चाहिए, और रिंग्स के लिए मैंने ये डिस्पोजल ग्लास लिए हैं और इनके ऊपर का पार्ट ये काट लिया, इनसे रिंग्स निकल गए हैं मेरे। और अगर आपके पास में ओल्ड बैंगल्स हों, जैसे कि मेटल वगैरह की होती, तो उनको भी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने ये दो रिंग्स को एक साथ किया है ताकि यह ड्यूरेबल रहे। और देखिए, ये मैंने क्रोशिया ले लिया है और मैं वूल से बना रही हूँ। अगर आपको थ्रेड से बनानी है तो थ्रेड से भी आप बना सकते हैं। इसमें स्लिप नोट लगाएंगे, देखिएगा इस तरीके से स्लिप नोट लगा ली है। और इसको पूरी ही रिंग्स को मैं सिंगल क्रोशे से कवर कर लूँगी, स्लिप नोट लगा कर पूरे रिंग्स को सिंगल क्रोशिया से कवर कर लेते हैं। देखिए, पूरा सिंगल क्रोशे से मैंने कवर कर लिया है, और जहाँ से अब स्टार्ट किया था इसको, वहीं से इसको अब अटैच करके वहाँ पर, देखिएगा इस तरीके से इसी में लाकर मैंने अटैच कर दिया है। और थ्री चैन स्टिच बनाएंगे इसी जगह से, ये थ्री चैन स्टिच बन गई हैं। और जहाँ से मैंने थ्री चैन स्टिच बनाई थी उसी जगह से एक डबल क्रोशिया भी बना देंगे। इस तरीके से ये दो डबल क्रोशिया हो गए, एक थ्री चैन स्टिच का हो गया क्रोशिया, डबल क्रोशिया, और एक और बना दिया मैंने। तो इस तरीके से ये दो डबल क्रोशिया एक साथ हो गए हैं। और अब आगे एक चैन स्टिच को स्किप करके सेकंड में हम दो डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे। देखिएगा, दो डबल क्रोशिया एक ही चैन स्टिच में बनाएंगे और फिर उसके बाद में फिर एक को चैन स्टिच को स्किप करेंगे। इसी तरीके से करते हुए हम यहाँ पर 12 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। देखिएगा, 12 टाइम्स टू डबल क्रोशिया बना लेंगे, दो डबल क्रोशिया करके 12 टाइम्स बना लेंगे। और अपने वर्क को पलट लिया है और फिर थ्री चैन स्टिच बनाई है, फिर थ्री चैन स्टिच जहाँ से बनाई है वहीं से एक डबल क्रोशिया बनाया उसके साथ में, फिर ये दो डबल क्रोशिया हो गए एक साथ। देखिएगा, और जो नीचे गैप है दो डबल क्रोशियों के बीच में, देखिए दिख रहा है ना आपको गैप, यहाँ से फिर दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, हर एक गैप में दो दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरीके से करते हुए हम इसमें 10 राउंड्स कर लीजिए। देखिएगा, इसी तरीके से करना है। क्योंकि ज़्यादा बड़ा तो हमें बनाना नहीं है, यह छोटा ही पर्स है हमारा, 10 राउंड्स काफ़ी होंगे। या फिर इसमें 4 इंच की लंबाई नाप लीजिएगा, 10 राउंड्स कर लीजिए या फिर 4 इंच की लंबाई नाप लीजिएगा इसकी। मैंने पर्स के दोनों ही पार्ट बना लिए हैं और अब ये आपस में अटैच करने हैं। अटैच आप सुई से भी कर सकते हो और क्रोशिये से भी कर सकते हो, जिससे आपको सुविधा लगे उससे आप अटैच कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर इनको क्रोशिये से ही अटैच किया है। क्रोशिये से मैंने स्लिप नोट लगाई पहले और फिर थ्री चैन स्टिच ले बनाकर और उसी जगह से दो डबल क्रोशिये बनाए और फिर आगे लाकर इसको दोनों पार्ट में क्रोशिये निकाल कर अटैच कर दिया। और इसी तरीके से करते हुए हम पूरे पर्स को अटैच कर लेंगे, मतलब तीन साइड से हम इसको सिलाई कर लेंगे इसकी क्रोशिये से। देखिएगा, काफ़ी आसान है इसको बनाना, बिल्कुल भी परेशानी नहीं आती है इसको बनाने में और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। देखिए पर्स बनकर रेडी हो गया है।
बड़ा ही सुंदर लग रहा है। देखिएगा, अगर आपको मिनी पर्स की, कॉइंस वाले पर्स की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि इस तरह की आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।